सॉन्ग लीडर्स बिल्कुल। इस वक्त हम लोग PSPP के प्रोग्राम वाटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन में मौजूद हैं, जो कि IEP और PSPP के कैलिब्रेशन में हुआ है। और इस वक्त हमारे पास IEP के चेयरमैन सोहेल बशीर साहब मौजूद हैं। हम इस प्रोग्राम के हवाले से इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है इस प्रोग्राम के हवाले से और आगे फर्दर इनके क्या प्लान है। सोहेल साहब, बताइएगा कि ये प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा कामयाब प्रोग्राम गया है, और क्या बेनिफिट इस प्रोग्राम का मिलेगा और आगे आप लोगों के क्या प्लान है? शुक्रिया। ये जो हमने प्रोग्राम किया है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ प्लम्बिंग प्रोफेशनल्स के साथ, ये वाटर सिस्टम एंड एप्लीकेशंस पे जो है, आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा स्कैसिटी जिसकी कमी है वो पानी है, और पानी एक बहुत महंगी कमोडिटी दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। तो इसको किस तरीके से पानी को कंजर्व किया जाए, किस तरीके से पानी को जो इस्तेमाल को कंट्रोल में लिया जाए, इसके ऊपर जो है आपने देखा कि 3 टेक्निकल प्रेजेंटेशंस थी। पहली प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें जो है उस प्रेजेंटेशन उस पर बात की गई कि किस तरीके से टैप वाटर को जो है वो मिनरल वाटर्स जो हम बॉटल लेते हैं उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक प्रेजेंटेशन जो है जो प्लम्बिंग के रेफरेंस थी, देखिए प्लम्बिंग में किस तरीके से जो ग्रे वाटर है उसका इफेक्टिव इस्तेमाल किया जा सके। और तीसरी जो थी जो ड्रिप इरीगेशन पर थी, और किचन जो है अपने किचन गार्डन्स में किस तरीके से हम ड्रिप इरीगेशन को, जैसे उन्होंने बताया कि 35 से 40 हज़ार रुपये के खर्चे में आप ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए अपने घरों में जो है अपनी सब्जियाँ भी उगा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का और PSPP का एक जॉइंट वेंचर था, और अब हम ये चाहते हैं, आज आपने ये भी देखा होगा कि इस प्रोग्राम के अख्तिताम में हमने एक MOU भी साइन किया है IEP ने और PSPP ने, और हम अब ये प्लान कर रहे हैं कि इनके साथ मिलकर हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे डॉक्टर सरोज हशमत लोधी साहब ने अपनी तकरीर में कहा खास तौर पे कि वो चाहते हैं कि इंजीनियर से नीचे जो पैरा इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनकी ट्रेनिंग हो, ताकि मटेरियल भी बहुत अच्छा है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि स्किल लोग जो है ना ट्रेन नहीं है। तो स्किल ट्रेनिंग के बारे में अभी मेरी साइडलाइंस पे जो है इनके सेक्रेटरी साजिद अब्बास साहब से बात हो रही थी, और अब्बास साजिद से यही बात हुई कि हम PSPP के साथ मिलके IEP और PSPP जो है वो प्लम्बर्स की ट्रेनिंग के जो है इंशाल्लाह कोर्सेज टर्किश से कुछ स्पेशलिस्ट हैं उनको बुला के यहाँ पर उनके साथ करेंगे। सर, क्या पहले भी कोई इस तरह के प्रोग्राम हुए और इस टॉपिक को लेकर आप लोग आगे बढ़े? इस पे हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं। रिसेंटली हमने जो है ना वाटर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार कुछ अर्से पहले यहाँ पे कराया था, लेकिन ये इस प्रोग्राम की जो खसूसियत थी कि इसमें आपने देखा होगा कि कंसल्टेंट्स भी थे और जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो भी थे, तो हैंड्स ऑन ज़्यादा अच्छी बातें हुई। और मेरा ख्याल है कि PSPP को के साथ मिलके IEP जो है वो हैंड्स ऑन वाले काम खासे कर सकेगा, जिसकी रियल टाइम में इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। कुछ और जी, आखिर में एक बात और, आपको जैसे पता है कि NED का जो है एल्यूमिनाई का कन्वेंशन हो रहा है 28 और 29 दिसंबर को NED यूनिवर्सिटी में, जिसमें 5,000 के करीब इंजीनियर्स आ रहे हैं, जिसमें तकरीबन 500 के करीब जो है बाहर से भी इंजीनियर्स आ रहे हैं। तो इसमें मेरी गुजारिश होगी कि आपके चैनल के ज़रिए से अपने तमाम NEDs को कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो है इसमें रजिस्टर कराएं और इस प्रोग्राम में शरीक हों, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे जो है NED एलुमनाई का कन्वेंशन हो रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। व्यूवर्स, आपने देखा कि ये थे सोहेल साहब IEP के चेयरमैन, और इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा मैसेज भी दिया, और NED के हवाले से भी एक रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज दिया है, उसको ज़रूर गौर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।